सर हमसे पैसा का डिमांड हुआ है, डिमांड हमसे पूर्ण रूप से पैसा का किया गया। नहीं नहीं, ऐसा अगर कोई अगर कुछ देते हैं साक्ष्य तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी। लोकल बच्चे का एक भी का एडमिशन नहीं हुआ, जिसका खतियान है, जिसका मतलब अपना जमीन अपना ये, तो उसका नहीं। आपके माध्यम से हम DDC मैडम और ये DC सर को आग्रह करते हैं कि हम लोगों को भी BSL के किसी खाली स्थान पर 300-400 स्क्वायर फीट जमीन दे दीजिए, हम लोग भी झोपड़ी बना के रहें। सरकार के द्वारा जो अतिक्रमणकारी है उनको खुली रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इन्हीं का कोई उस तरह का ऑब्जेक्शन है तो हम लोग निश्चित रूप से जो है ना उसका फिर से जो है ना हम लोग जाँच कर रहे हैं। AR बोकारवी ग्रामीण TV में आप सबका हम स्वागत करते हैं और ये बोकारो स्टील सिटी का कला निकेतन केंद्र है सेक्टर 2 में। क्या मैटर है भैया बताइए? मैटर ये है सर कि सन 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आया जिसके तहत गरीब बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार हुआ। सर हर गरीब का बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अच्छी पढ़ाई करे, पढ़ लिख कर अपने माँ बाप की मुश्किलें दूर करे, अपने साथ साथ अपने माँ बाप का भी जीवन स्तर को बेहतर बनाए और साथ ही साथ सबसे अहम कि देश के भविष्य के निर्माण में अच्छी साक्षरता प्राप्त कर एक अच्छा सभ्य और सामाजिक नागरिक बने। चलिए हम समझ गए, 2009 में राइट टू एजुकेशन को लाया गया, ठीक है, नियम बनाए, इसके तहत गरीब बच्चों को शहर के निजी स्कूलों में RT के तहत दाखिला दिया जाता है, परंतु बोकारो सर दिया जाता है सर टोटल सीट का 25%। बहुत अच्छी बात है, फिर हुआ क्या दिक्कत? हुआ दिक्कत यह सर कि हम सभी लोगों ने RTA के तहत आवेदन दिया था, जितने लोग भी नजर आ रहे हैं बोकारो के लगभग 20 से ज़्यादा स्कूल इसमें रजिस्टर्ड है, ठीक है, और उसमें करीब 500 से ज़्यादा सीटें थी और हम लोगों ने जो आवेदन दिया था प्रथम रिजल्ट में ही हमारे बच्चे का नाम DPS सेक्टर 4 के लिए चयन हुआ। DPS सेक्टर 4 में जब हम लोगों ने पेपर लेके गया वहाँ पर प्रस्तुत किया तो आश्वासन दिया गया, ठीक है सब कुछ सही, आपका दाखिला हो जाएगा, ठीक है, कुछ दिनों बाद आपके जांच आवास के लिए मेरे घर में जाएंगे, घर में मेरे आवास में लोग वहाँ से आए, ठीक है, और उसके बाद जब मैं दोबारा उनके पास जाता हूँ जाँच किया घर में जाके जाँच किए कि कहाँ रहते हैं, ठीक है, 7 किलोमीटर के अंदर मेरा 3 किलोमीटर के अंदर में था DPS से मात्र 3 किलोमीटर अंदर मेरा आवास पड़ता है, वहाँ पर गए आवास देखें एक तस्वीर लिए और चले आए। हम बोकारो के सेक्टर 9 बी रोड में रहते BSL क्वार्टर लाइसेंस वाले क्वार्टर में जो कि मेरे फादर के नाम से लाइसेंस लिया गया है, रिटायर है मेरे फादर 2012 से, और उस आवास का टोटल किराया मेरे बड़े भाई के द्वारा वहन किया जाता है। वो तो बात सही है, इसी कारण से छाटा गया हमें, मेन कारण यही है कि मुझे छाटने का रीजन बाद में बताया कि आप BSL क्वार्टर में रहते हैं जिसके तहत आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। हम जानना चाहते हैं बोकारो प्रशासन से क्या BSL क्वार्टर में रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं परिवार हैं क्या इतने सक्षम है कि अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ा सकें, या सभी लोग गरीब होते हैं, गरीबी का पैमाना क्या है, आर्थिक स्थिति का गणना किस आधार पर किया गया है इस RT में। हम क्वार्टर में रहते हैं, उस क्वार्टर का संपूर्ण किराया और संपूर्ण खर्च मेरे बड़े भाई के द्वारा वहन किया जाता है। हम कृषि से संबंध रखते हैं, कृषि करते हैं और फादर के पेंशन पर कुछ हद तक निर्भर हैं, ठीक है, ठीक है, मान के चलिए कि आप क्वार्टर में रहते हैं इस वजह से आपके बच्चे का एडमिशन रोक दिया हमें, हाँ मेन कारण है कि आप क्वार्टर में रहते हैं, लेकिन क्वार्टर में अच्छा एक बात बताइए, और कोई लोग गांव में रहते हैं, आप गांव के हैं, यहाँ के खतियानी हैं? यहाँ के हम खतियानी हैं, कुंडोरी से विस्थापित हैं। यहाँ और कई ऐसे आपके जैसे लोग को या तो गांव में रहने वाले लोगों का बच्चों का एडमिशन रद्द कर दिया? हाँ जी सर, हमारे गांव में रहने वाले बच्चों का एडमिशन, मैडम दीदी आपका क्या नाम? मेरा नाम हुआ सुमन कुमारी, मैं रानी पोखर की हूँ और मेरे बच्चे का स्कूल से आपके घर की दूरी क्या? 5 किलोमीटर। सारा चीज ठीक जी, मेरा डॉक्यूमेंट जितना भी है सारा मेरा क्या बोल के या बच्चे का एडमिशन? पहले तो बोला गया कि एडमिशन के लिए आइए, उसके बाद फिर बोला गया इंक्वायरी के लिए जाएगा, जांच के लिए, आपका घर का दूरी थोड़ा ज़्यादा है, देखेंगे तब बताएंगे। फिर उसके बाद बोला गया कि उसके बाद गया नहीं जांच के लिए, तो हम लोग स्कूल गए क्या बात है, तो उसके बाद बोल रहा है कि यहाँ जिसका एडमिशन होना था हो चुका है, अब एडमिशन नहीं होगा, ये इसलिए यहाँ मत आइए। तो उसके बाद हम लोग DDC के पास गए और RT ऑफिस के पास गए, सबके यहाँ लिख के दिए और DDC मैम बोली कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा इसलिए आप जाइए, एक फ़ोटो क्लिक की, उसके बाद हमको घर भेज दी। उसके बाद हम आए तो दूसरे दिन भी मेरा एडमिशन नहीं हुआ और उसके बाद फिर दोबारा गए तो बोल रही है मैम क्या जो वो लोग लेना नहीं चाहता है, लोग लेने से इनकार कर रहा है, तो हम क्या करें उसमें। उसके बाद हम DC के पास गए, DC बोले आपका बच्चे का एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे मैम को बोलूँ
बोल दिए तो बोल रही है मैम कि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, ज़्यादा हल्ला कीजिएगा या ज़्यादा मतलब आदमी को बुलाइएगा तो आपके बच्चे का जो एडमिशन होना है वो भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ से जाइए। अभी बोले हाँ। एक मिनट रुक जाइए, ऐसे कितने परिवारों के बच्चे को एडमिशन नहीं लिया गया लोकल के? लोकल में सर लगभग जितने भी लोकल थे उसमें से लगभग लगभग 90% का एडमिशन नहीं लिया गया, ठीक है। इसके पीछे रीजन है। आपका नाम क्या है? नीलम साहू। नहीं हम लोग को तो मेरा तो बर्थ सर्टिफिकेट खोज रहा था, उसमें आरटीए में मैसेज आता है ना, तो हम बर्थ सर्टिफिकेट यानी आरटीए के तहत 25% जो कोटा है यहाँ के गरीब लोगों के लिए, उस सीट को हमें लगता है कि उस सीट को कहीं ना कहीं पैसा लेकर कुछ धांधली किया गया। जी सर हम तो देख रहे हैं कि गरीब लोग गरीबे जगह है, जो अमीर है वो लोग का ही एडमिशन हो रहा है, जिसका दो तल्ला तीन तल्ला मकान है देखते हैं उसका बच्चा लोग आरटीए के ऑफिस तरफ से स्कूल जा रहा है। सर बोला गया स्कूल से कि हम आज तक रानी पोखर के बच्चे को एडमिशन नहीं लिए, इसलिए होना पॉसिबल नहीं है। ये चीज भी बोला गया कि हम आज तक कभी भी एडमिशन नहीं लिए, जब भी हुआ एडमिशन नहीं लिए बच्चे का एडमिशन रानी पोखर के बच्चे का, लेकिन इस बार भी इसी तरह कर रहे हैं। हम रानी पोखर का बच्चे का एडमिशन नहीं लिए, इस बार भी नहीं पॉसिबल नहीं है। बारे पदाधिकारी कहाँ से पढ़ के आए हो यार? क्या नाम हो आपका? मेरा करीम। कहाँ से आए हो आप? रानी पोखर से सर। वो यही बोला की रानी पोखर? यही सर, यही हमको भी बोला सर। तोर की नाम? हम रानी पोखर के लगे। रानी कॉलो तोरा? हमारा कॉलो है वेटिंग लिस्ट में है ना, हो जाएगा जब कल डीपीएस के स्कूल के चार गोल पेपर में देख बोले, अभी को डीपीएस के चार सीट फुल हो गया है, जाइए। हम सर आपको सर बहुत अच्छी बात कि यहाँ पर जो भी मान लीजिए ये सरकार के द्वारा जो अतिक्रमणकारी है उनको खुली रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है कि आप जाइए झोपड़ी बना के रहिए, आपका एडमिशन होगा। लेकिन क्या झोपड़ी में रहने वाले बच्चे और झोपड़ी में रहने वाले यहाँ से विस्थापित लोग नहीं है? ये सब मामला को लेकर आप लोग कोई विधायक विधायक से मिले? नहीं सर, विधायक से नहीं मिला, हम तो पहली बार यहाँ आवेदन किए थे। मैं गई थी विधायक के पास, लेकिन विधायक ने बोला कि उन लोग ऐसे ही करता है हर साल और इस बार भी ऐसे करेगा, उन लोग पास मतलब एडमिशन कराना। विधायक को बोले नहीं कि हमारा सर जी पहला प्राथमिकता बनता है ना, हमारे बाप आजा का जमीन गया है तब जाके ये पलंडवा बना है। मैं एडमिशन के लिए हम ना विस्थापित और बाहरी कुछ नहीं करना चाहते सर। अच्छा। सभी के बच्चे बराबर है, सभी को एजुकेशन मिलना चाहिए, ठीक है। तो फिर झोपड़ी के बच्चों को किया गया तो ठीक है, वो तो स्कूल के और करीब है ना? नहीं वही तो जानना चाहते सर कि आप झोपड़ी वाले बच्चों को ले रहे हैं क्योंकि वो झोपड़ी में रहते हैं, यानी कि वो झोपड़ी में रहना क्या गरीबी की पहचान है? और सेक्टर के आवास में अगर किसी के रहमोक्रम में कोई रहता है तो वो क्या अमीरी के उसके पास जमीन वगैरह कुछ नहीं है भाई, झोपड़ी में रहते हैं वो किसी तरह गुजारा करते हैं। आप उसको सुनिए ना सर, सर आपके माध्यम से हम डीडीसी मैडम और ये डीसी सर को आग्रह करते हैं कि हम लोगों को भी बीएसएल के किसी खाली स्थान पर 300-400 स्क्वायर फीट जमीन दे दीजिए, हम लोग भी झोपड़ी बना के रहेंगे बच्चे को, ठीक है, हर बच्चे को, लेकिन किसी हाल में पढ़ाएंगे सर, ठीक है। हम लोगों को भी जमीन दे दीजिए सर, हम लोग अतिक्रमणकारी नहीं बनना चाहते, हमें जमीन दे दीजिए, झोपड़ी बनाएंगे, पानी और बिजली का सुविधा दे दीजिए। झोपड़ियां बनने देगा आपको? उसीलिए मांग कर रहे हैं सर। आपका झोपड़ी बनने देगा? नहीं मांग कर रहे हैं ना, आपके थ्रू मांग के बाप आजा का जमीन के झोपड़ी बनने नहीं नहीं देगा, इसलिए हम दे दीजिए, हम लोग गलत तरीके से नहीं लेना चाहते, हम लोग सही तरीके से लेना चाहते, बच्चे सभी के समान है सर। सर हम लोग का लोकल जितना है लोकल बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, जितने भी है सर लोकल बच्चे का एक भी का एडमिशन नहीं हुआ, जिसका खतियान है जिसका मतलब अपना जमीन अपना ये तो उसका नहीं हुआ एडमिशन। कुल मिलाकर आप लोग समझ सकते हैं कि हमारे बोकारो क्या स्थिति है। जी जी क्या बोलना चाह रहे? बोलना चाह रहे हैं यही कि जो आज एडमिशन हुआ है अयप्पा चिन्मया में एडमिशन हुआ है, 9 बच्चा एक ही कम्युनिटी से। कौन कम्युनिटी? वो मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। और अयप्पा में हुआ है 5 बच्चा, 5 बच्चा मुस्लिम कम्युनिटी से। पैसा वैसा का डिमांड? पैसा का डिमांड नहीं हुआ है। पैसा का डिमांड? जी सर हमसे पैसा का डिमांड हुआ है, डिमांड हमसे पूर्ण रूप से पैसा का किया गया था, ठीक है, जिसको मैंने इनकार किया था और बोला था कि आपको पैसे चाहिए सर, कुछ खर्चे पानी हम कर देते हैं, खाना पीना खिला देते हैं, तो हमें कहा गया कि पिछले साल राजेंद्र से कभी पैसा कोई मांगा नहीं है। जितने भी छोटे स्कूल है जो बच्चा का सिलेक्शन हुआ है उसका सबका लिस्ट पता चल रहा है और पेपर में दिया हुआ है, और लेकिन जो चिन्मया अयप्पा और डीपीएस का जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ है उस किसी का बच्चे का दिखा नहीं रहा है कि किसका हुआ है, ये अंदर ही अंदर सिलेक्शन लिया गया है।
और इन लोगों का साफ कहना है कि इनको स्कूलों में धांधली हुआ है, पैसे देकर किसी खास कम्युनिटी को के बच्चे को एडमिशन लिया गया और कई तरह के मामले हैं, कहीं खुलेआम पैसा मांगा जा रहा है। तो आप ही लोग बताइए, आप लोग अपना राय कमेंट जरूर रखिएगा और आने वाले समय में जरूर सचेत रहिएगा कि क्या ये बोकारो उन लोगों के लिए नहीं है जिनके बाप अजाओं ने ज़मीन दे दी, उनकी आज हालत इतनी दयनीय है कि कल क्या खाएंगे, रोटी रोटी के लिए मोहताज है। आज उनके परिवार के बच्चे को पढ़ाने के लिए अगर 2009 में सरकार कानून बनाती है तो उनके तहत भी अपने बच्चे को एडमिशन नहीं करा सकता है। कुल मिलाकर ये बहुत गंभीर बात है और अपना राय आप लोग जरूर रखिएगा। फिर सर बताइए, लोग कह रहे हैं कि पैसे लेकर सीट को बेचा जा रहा है, किसी को ये कह के दुत्कारा जा रहा है, उनको नामांकन नहीं हो रहा है कि आप रानी पोखर के हैं, उस मोजा से कभी एडमिशन नहीं हुआ, इस तरह का कोई जो है ना मेरे संज्ञान में नहीं है, इस तरह का कोई मामला भी नहीं है। इस बार जो है पहले जो प्रक्रिया थी उससे हटकर जो है ना इस बार ऑनलाइन आवेदन किया गया है, सारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रहा है। दूसरी चीज़ कि पिछले बार हम लोग लगभग 54% एडमिशन लगातार आप पिछले कई सालों से जो है कभी 49% कभी 50% मैक्सिमम 54% हुआ है। पहले ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन हुआ है, जिसके वजह से पहला ही फेज में 84% एडमिशन हो चुका है और जो सीटें हैं जहां पर खाली रह जा रही है, कमेटी निर्णय लेकर जो है ना दोबारा प्रयास करेगी कि इस बार 100% नामांकन हो। तो निश्चित रूप से जो है ये ट्रांसपेरेंट है प्रक्रिया, इसीलिए एडमिशन जो है ना इतना हुआ है और इसमें अगर किन्हीं का कोई उस तरह का ऑब्जेक्शन है तो हम लोग निश्चित रूप से जो है ना उसका फिर से जो है ना हम लोग जाँच कराएँगे, अगर लगता है कि उनके साथ में कुछ हुआ है। वैसे कैंडिडेट जो खासकर जो दोतल्ले मकान में रह रहे हैं या फिर उनकी दूरी ज़्यादा है, उन्होंने आवेदन में दूरी कम दिखा दिया है, हम लोगों ने फिजिकल वेरिफिकेशन भी जहाँ जहाँ से ऑब्जेक्शन आया है स्कूल वाले का। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो मान लीजिए कि जो स्कूल अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र के इलाके में है तो निश्चित रूप से जो है ना उनको तो बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कहीं नहीं है, इस तरह का कोई आंकड़ा नहीं है। नहीं ऐसा अगर कुछ देते हैं साक्ष्य तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होगी, अगर कोई है अगर उस तरह का अगर वो साक्ष्य देते हैं कि कोई इस तरह से किया है और कैसे होगा ऐसे, अगर ऑनलाइन है सब कुछ सॉफ्टवेयर के माध्यम से है तो इसमें सवाल ही नहीं उठता है। तो ये थे नूर आलम खान, जो जितना गंभीर आरोप लगाया गया था यहाँ पर सारे आरोपों के का जवाब दे रहे थे। एक विशेष कम्युनिटी पर सवाल खड़े किए जा रहे थे, पैसा को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, आप पैसा लेने की बात कर रहे थे, सर तो बोले कि अभी अगर आपके पास ऐसा प्रमाण है तो आप हमें दीजिए, उन पर कार्रवाई करें। बिल्कुल सर, मेरे पास उनका नंबर है जिन्होंने मुझे फ़ोन किया था और पैसा के लिए डिमांड किया था। संबंधित पदाधिकारी अगर देख रहे हैं सुन रहे हैं तो इनके पास में वो नंबर भी है जिसमें आप कॉल रिकॉर्ड किए थे? नहीं, कॉल रिकॉर्ड नहीं करने के लिए पहले ही ये ऐसा उसका सिस्टम है कि मना कर देता है और बात करने से पहले फ़ोन को रखवा देते हैं डिक्की में, उसके बाद बात करते हैं। सर हम लोग का तो एल्बेस्टर का घर है, सर बोले कि दो तल्ला मकान है जिसका उसका नहीं होगा एडमिशन, मेरा 5 किलोमीटर मात्र है यार, सर का लेने का 7 किलोमीटर के दायरे में लेना है लेकिन मेरा 5 किलोमीटर है। और जितनी भी सफाई हो जितनी भी बात हो इसमें दाल में काला है, इसकी जांच होनी चाहिए। हमारा अभी जैसे अभी डीएससी सर से भी बात किया, उन्होंने सरकारी आवास में रहने के कारण मेरा नामांकन को रद्द किया हुआ है। हम सर सरकारी आवास में जिस आवास में हम रहते हैं वो में उसका टोटल खर्च मेरे बड़े भाई के द्वारा वहन किया जाता है, मेरे फादर के नाम से लाइसेंस क्वार्टर है वो, ठीक है, बड़े भाई के द्वारा टोटल खर्च वहन किया जाता है, मेरे बच्चे वहाँ पर रहते हैं। मैं समझ रहा हूँ सरकारी आवास में रहने वाले सभी लोग अमीर रहते हैं या हम लोगों को भी झोपड़ी के लिए जगह आवंटन कर दिया जाए जहाँ पर हम लोग झोपड़ी बना के रहेंगे लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। अच्छा, अतिक्रमण करने वाले लोगों के बच्चों को यहाँ एडमिशन लिया जाए? वही ना कहा जा रहा सर, बीएसएल में सभी लोग जो क्या बोलना चाहे, आपका नाम क्या? मेरा नाम आशुतोष है। पूरा कर लिए सर, बीएसएल में इस बोकारो शहर के संज्ञान में देखा जाए तो जितने परिवार रहते हैं ये पूरा बीएसएल की जमीन है, यहाँ सेक्टर पे लोग निवास करते हैं, सभी लोग क्वार्टर में रहते हैं और क्वार्टर के अलावा जितने लोग भी यहाँ पर रह रहे हैं वो तो झोपड़ी में रह रहे हैं, यानी क्वार्टर में जिनका नहीं हो रहा है यानी उनका नहीं हो रहा है, यानी झोपड़ी वाले लोगों का हो रहा है। अतिक्रमण को बढ़ावा मिल रहा है। बहुत आपकी बात आ गई है सामने, आपका क्या नाम है बताइए?
क्या बोलना चाह रहे हैं? ये बोलना चाह रहे हैं कि देखिए, कोई जरूरी नहीं कि क्वार्टर में रहने वाले हर आदमी अमीर ही है। किसी न किसी के सहयोग से उसमें रह रहा है, आउट हाउस में रह रहा है। अगर बहुत लोग तो बीएसएल क्वार्टर में अतिक्रमण। एक्चुअली कुल मिलाकर ये बताइए ना कि जो एडमिशन हुआ सही ढंग से नहीं हुआ, उसको जांच किया जाए तो कुछ ना कुछ घोटाला किया। कुल मिलाकर कि गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है यहाँ, अमीर बच्चों का सिर्फ अयप्पा चिन्मया और डीपीएस में हुआ है। हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और मजदूरी करते हैं, इसलिए हम लोग का एडमिशन नहीं होगा ना होने हो रहा है, इसलिए हम लोग दौड़ रहे हैं। आज 15 दिन से एक महीना से दौड़ रहे हैं हम लोग। तो इन गरीबों की आवाज कौन सुनेगा? फिलहाल तमाम अधिकारी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, दोनों तरफ की बात को हमने दिखाने का प्रयास किया है। और जहाँ तक मुझे समझ में आ रही है कि इन लोगों को बुड़बक बनाना, इन लोगों को झूठा साबित करना एक पढ़े लिखे इंसान के लिए बड़ा आसान चीज़ है, लेकिन अगर सच्चाई देखा जाए तो कुछ ना कुछ है। तो सर से मेरा विनती है, एक बार इनकी जाँच हो। फिलहाल आप लोग का छोटा भाई यार बुखार भी लेता है बिना।